हरियाणा की हॉट सीट महम के बारे में आज फिर अपडेट लेते हैं। और महम का चुनाव हर रोज़ समीकरण बदलता जा रहा है। यहाँ से जो कांग्रेस के कैंडिडेट बलराम दांगी, निर्दलीय राधा अहलावत और हरियाणा जन सेवक पार्टी से बलराज गुंडू हैं, किस तरह का तीनों का चुनाव प्रचार चल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं महम की राजनीति को बारीकी से समझने वाले एडवोकेट रणबीर जी। तो रणबीर जी से पूछते हैं कि महम इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रहा है और किसका चुनाव में अभी तक पलड़ा भारी लग रहा है। जी रणवीर जी नमस्ते। नमस्कार जी। ठीक हो? बिल्कुल जी। बताओ मैम, तो बड़ी हॉट सीट रही है। नमस्कार जी। जी बड़ी हॉट सीट रही है मैम। बिल्कुल जी। और एक यहाँ का मैं इतिहास जब खंगाल रहा था, हाँ जी। तो प्रोफेसर महासिंह थे जो पहले विधायक थे मैम के, और वो पंचायती उम्मीदवार थे। बिल्कुल जी। तो ये जो इलाका है ये हमेशा से लंबे समय तक यहाँ से पंचायत फैसला करती रही एक कैंडिडेट होगा और उसी को विधानसभा भेजती रही है। इस बार एक पंचायती कैंडिडेट है राधा अहलावत, कांग्रेस से बलराम दांगी हैं और बलराज कुंडू हैं। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ में देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के हैं विकास नेहरा, और उसके अलावा फिर शमशेर बाली, और दूसरे हैं फिर दीपक हुड्डा बीजेपी से, वो तीनों किस तरह के समीकरण किससे बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। राहुल गांधी हरियाणा में आए हुए हैं, बलराम दांगी के लिए दो चक्कर लगा चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, किस तरह का कांग्रेस का चुनाव यहाँ देख रहे हो बलराम दांगी का? ये बात बिल्कुल ठीक है कि सो कॉल्ड पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि हमारी लहर है, किंतु महम की सीट की एक स्पेसिफाइड एक स्पेसिफिक करेक्टर है। यहाँ पर महासिंह जी, उमेद सिंह शिवाच जी, ये पहले टाइम से ही महम की एक पंचायत की परंपरा बनी हुई है, और उस पंचायत की परंपरा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पंचायती कैंडिडेट हो जाता है उसके ऊपर वो लोग हमेशा उसको पार उतारने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। दांगी साहब का ऐसा है, दांगी साहब यहाँ पर चार बार के विधायक रहे, चार बार के विधायक के बावजूद भी यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो इस हद तक लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के ऊपर पूरी तरह से नहीं उतार पाए, क्योंकि उनके जो स्टार्टिंग के इलेक्शन थे वो अब उनके ऊपर ये यहाँ पर एक एलिगेशन लगा हुआ है कि जिस मौके पर यहाँ से चौटाला साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और दांगी साहब थे, उस मौके पर उन्होंने पूर्व स्वर्गीय उप प्रधानमंत्री ऑनरेबल के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि ये पुत्र मोह के अंदर है, ये धृतराष्ट्र है। अब यहाँ की पब्लिक उनसे भी ये क्वेश्चन पूछती है कि जिस मौके पर आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर पुत्र मोह है, तो अब आप पुत्र मोह के अंदर क्यों हो? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि युवराज का बेटा युवराज बनेगा, राजकुमार, इस तरह की एक बयान आया है। बिल्कुल बिल्कुल आया है। वो कहते हैं कि किसान का बेटा हली चलाएगा और विधायक का बेटा विधायक ही बनेगा, उनकी एग्जैक्ट यही थी। तो किस तरह की रिएक्शन फिर हल्के में लोगों में? उसके ऊपर हल्के में ये कहते हैं भाई, आनंद सिंह दांगी जी के पिताजी क्या विधायक थे? वो तो एक किसान थे। दांगी साहब भी बाई बर थे, किसान थे, किसान की तरह ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, किसान के ऊपर ही उन्होंने अपनी जो सरपंच बने फिर ब्लॉक के चेयरमैन बने वो एक एज ए किसान बने थे। और ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की एक विशेषता है, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र इसी का नाम है, तभी हिंदुस्तान का लोकतंत्र स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्या माहौल फिर बलराम दांगी के इलेक्शन का देख रहे हो? दीपेंद्र हुड्डा लगातार चक्कर मार रहे हैं। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी की यहाँ पर 11 जनसभाएं हो चुकी कुल मिला के, और एक आज है आशा जी की, 12 जनसभाओं के बावजूद भी वो जो माहौल के अंदर एक डेवलपमेंट लेने की कोशिश की है वो उस हद तक, उस लेवल तक अब भी जनता के अंदर इस हद तक दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ तक मतलब आप कंटेस्ट में नहीं मान रहे उनको? नहीं, वो कंटेस्ट के अंदर इतने नहीं हैं जितने वो अपने आप को शो कर रहे हैं। वो कंटेस्ट के अंदर पार्टी की है लहर, ये बात सच है। अच्छा, यहाँ तक सच है। लेकिन बलराम पर आकर वो लहर रुक जा रही है, ब्रेक लग रहा है उसको?
बिल्कुल बलराम के ऊपर आकर बिल्कुल है, क्योंकि उनका जो पीछे के जो एक रेलिवेंट फैक्ट्स थे वो उनके फेवरेबल नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की आएगी, तो कहीं ना कहीं महम के अंदर ये महम का कई बार इतिहास रहा है। यहाँ पर ऐसा फैक्टर बहुत ज़्यादा बलराम के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें इस वजह से लागू नहीं होती। यहाँ की जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, यहाँ की जो रोज़गार था, यहाँ पर जो अलग अलग महम के अंदर जैसे किसी भी सेक्टर का ना होना, महम के अंदर कोई ऐसी विशेष डेवलपमेंट ना होना, ये उनका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ से जो पंचायती कैंडिडेट हैं राधा लावत की। हाँ जी, उनका इलेक्शन किस तरह देख रहे हो? उनके पति शमशेर खरकड़ा, हाँ जी, बीजेपी में थे, पिछले लगातार 3 चुनाव लड़े, तीनों आ रहे, एक वो लोकसभा चुनाव लड़े वो आ रहे, इस बार पहली बार उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, और पंचायती इतिहास पहले बताया, और वो पंचायती उम्मीदवार हैं, बड़म्बा गांव में पंचायत हमने कई बार देखा, उनका चुनाव किस एंगल पर कहाँ खड़ा है? उनका ऐसा है जी, यहाँ महम के अंदर पंचायत का अपना एक अस्तित्व है, और पंचायत उस चीज़ को अपने ऊपर लेके चलती है, वो अपना इलेक्शन मान के लड़ती है, और वो पंचायती जो इंसान है यहाँ पर जो, वो उसको एक नया स्वरूप देते हैं, और अब इसी के अंतर्गत राधा अलावत को जो बिल्कुल कम्प्लीटली समर्थन मिला हुआ है, खरकड़ा, बलम्बा, ब्रहण, बेडवा, तीतरी, इन ये कुछ गांव ऐसे हैं जिनका उसको पूर्ण रूप से समर्थन मिला हुआ है। पंचायत कहाँ कहाँ हुई थी जो स्टार्टिंग में हुई? जो स्टार्टिंग के अंदर पंचायत हुई थी, एक बार 7 तारीख को यहाँ पर खरकड़ा गाँव के अंदर हुई थी, एक बार पंचायत, फिर 2 बार वहाँ पर बलम्बा गांव के अंदर हुई, फिर ब्रहण गांव के अंदर हुई, और फिर जो हमारे जो और अदर महम चौबीसी के गांव हैं उनके अंदर हुई। अच्छा, हाँ, तो किस तरह इलेक्शन देख रहे हो कुंडू के और दांगी के मुकाबले में राधा का? राधा का कुंडू और दांगी के मामले में कंपैरेटिवली अप है, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो वो जो लगातार लंबे टाइम से लगभग 2.5-3 साल से वो पब्लिक के अंदर टच के अंदर लोगों के जो काम, जैसे किसी का कोई आधार कार्ड है, कोई आयुष्मान योजना का है, किसी की कोई क्लैरिकल जो मिस्टेक है जिसके अंदर कंप्यूटराइज्ड जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने के लिए वो हमेशा बीच में रही है, और वो तत्पर रही है, लोगों से जुड़ी रही, वो लोगों से लगातार टच के अंदर। अच्छा, आपने इन दोनों से अप बताया, राधा का चुनाव बलराम से, बलराज, लेकिन मार्केट में जहाँ लोगों से मिल रहे हैं वो उनको है जी, कोई बलराम का कह रहा है, कोई बलराज का कह रहा है कि राधा तो जी इन दोनों को हराने जिताने का काम करेगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो राधा जीती पोजिशन में भी है? बिल्कुल जीत की पोजिशन में जी राधा। तो ये तो जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, कोई तो कह रहा है जी बलराम जीतेगा जी कांग्रेस की लहर है, कोई कह रहा है जी बलराज जीतेगा उसकी सोशल सर्विस है, कि राधा तो गेम बिगाड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि जो बलराज कुंडू जी हमारे महम हल्के के भी दायक हैं। हाँ। उन्होंने ये बात सत्य है कि उन्होंने बस चलाई हुई है, अच्छा काम है, उस चीज़ को हम ये नहीं कहते कि वो अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम है वो, ठीक है, किंतु एक विधायक का केवल यही काम नहीं है कि वो बस चला के ही सारा कंप्लीट का कंप्लीट उसी चीज़ के के, इसके अलावा भी जो रोजगार पैदा करने के, अपने हल्के के विकास के लिए, यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट के लिए, वो भी चीज़ है, वो भी मैटर करती है। तो आप जैसे इसका आप बता रहे हो माल्या राधा का, हाँ जी, लेकिन पिछले 3 चुनाव तो जैसे शमशेर जी हार चुके हैं यहाँ से, हाँ, तो अब राधा निर्दलीय कैसे जीत सकते, ये गले कैसे उतरेगी? ऐसा जी, शमशेर 2009 के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो, हाँ, 2009 के अंदर उन्होंने, मैं थोड़ा बैकड्रॉप बता देता हूँ, 2009 के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो उस मौके पर भी वो फाइट के अंदर थे, उसकी हमेशा ये तो कन्फर्म है, रिकॉर्ड की बात है, हमेशा उनकी 38,000-40,000 के आसपास में वोट हमेशा रही हैं, और वो जो मार्जिनल लेवल के ऊपर है वहीं पर वो आके हार रहे हैं। अब की बार जो राधा ने जो मेहनत की है, जो उन्होंने लेडीज के अंदर अच्छी मेहनत की है, उनसे लगातार टच के अंदर रही है, ये उनका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी तो है कि वो निर्दलीय है, पार्टी का वोट नहीं उनके पास, पहले जैसे बीजेपी का वोट था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी, किंतु पार्टी तो वही हो जाती है जहां पर लोग समर्थन देते हैं, लोगों से ही पार्टी बनती है। क्या लगता है बीजेपी का वोट इनकी तरफ आएगा?
बिल्कुल आएगा जी, आया हुआ भी है, क्योंकि इसके अंदर जो बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष थे और जो अदर पदाधिकारी थे और अदर वर्कर थे, जो हार्ड कोर जिनको मोरकर कहते हैं, वो सब वर्कर इन्हीं के पास में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, वो राधा के साथ है। वो राधा के साथ। तो फिर बीजेपी का इलेक्शन कैसा देख रहे हो? बीजेपी का जी फाइट का इलेक्शन नहीं है। फाइट का इलेक्शन नहीं है, फाइट का इन तीनों का जी। अच्छा, कुंडू साहब का, दांगी साहब का और राधा इलाव। तो बलराज जैसे अभी सिटिंग के एमएलए हैं, हाँ जी, तो उनका इलेक्शन कैसा है फिर? उनका इलेक्शन जी पिछली बार अच्छा था, पिछली बार क्योंकि वो एक बार जो एक सोशल सर्विस वाली जो बात थी उसका उन्होंने उस चीज़ का फायदा मिला है, किंतु अब लोगों को सोशल जो सर्विस है बसों के अलावा लाइफ की सर्वाइवल के लिए अदर संसाधन होना, जो एक पॉलिटिकल आदमी, जो एक हल्के का विधायक जो प्रोवाइड करवा सकता है, वो उसके ऊपर पूरी तरह खड़े नहीं उतरे हैं। अच्छा, नुकसान हो गया उसका। हाँ जी, उस चीज का उन्होंने। तो ये दो कैंडिडेट थे अभी, शमशेर बाली और दूसरा है आपके नेहरा, विकास नेहरा, नेहरा आम आदमी पार्टी से। हाँ जी, ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये ऐसा है जी, मोखरा गांव से पूर्व विधायक बाली जी, वो पहले इलेक्शन पहले दो बार वो एमएलए बन चुके हैं, पिछली बार उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, अब की बार वो इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए हैं। वहाँ से भी दांगी साहब और कुंडू जी का ही वोट बैंक उनका लॉस हुआ, उसके पीछे कारण ये है कि कुंडू साहब और दांगी साहब अच्छी पोजीशन में मोखरा गांव के अंदर थे, वो उनको वोट का लॉस है। दूसरी बात यह, कुंडू साहब की पहले बड़म्बा गांव के अंदर भी अच्छा मार्जिन था जो अब नहीं है। तीसरी ये है कि विकास नेहरा जी निंदाणा गांव, वहां पर भी दांगी साहब और कुंडू साहब का ज्यादा लॉस है, वो राधा अहलावत को उसका एक बेनिफिट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, और विकास नेहरा भी आपने कहा कि ये भी कुंडू को नुकसान करेगा? ये भी कुंडू को करेगा जी, वो तो रिकॉर्ड की बात है जी, पिछले योजना का मगर 2019 कार्यकाल उठा के देखेंगे तो उन गांवों की जो कैलकुलेशन है वो तो एक प्रिस्क्राइब्ड कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी। बिल्कुल, तो फिर आपने जैसे राधा का सबसे आप बताया, हाँ जी, तो इसका मुकाबला किससे देखते हो फिर, बलराम से या बलराज से? मुकाबला नहीं कह सकते जी, हाँ, मुकाबला इस वजह से नहीं कह सकते कि इन दोनों की, बलराम की और बलराज कुंडू की, उन दोनों की जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग नेचर की है, राधा की जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग नेचर की है। नहीं, किसी से तो मुकाबला मानोगे, फाइट किसे? मैं ये सवाल ये है कि फाइट किसे रहेगी, सेकंड पे पोजिशन पे कौन मान रहे हो फिर? नहीं, फाइट के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते जी। अच्छा, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आपका मानना है कि राधा आप रहेगी? हाँ, राधा आप रहेगी जी, उसके पीछे तर्क है। तर्क है कि बीजेपी का वोट बैंक उनके साथ है, पंचायती कैंडिडेट है जी, फील्ड में उनकी मेहनत, फील्ड में उन्होंने मेहनत की है, मेहनत की है। चलो, महम अलकी की राजनीति को जो बारीकी से जानते हैं, इस तरह के अलग अलग लोगों से हम विचार जानने की कोशिश करेंगे जो निष्पक्ष रूप से लोग हों। आप अपने कमेंट्स करके बताना कि महम इस बार क्या फैसला देने वाला है, कौन यहाँ से अगला विधायक बनेगा, किसके सिर ताज सजेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद रणबीर जी। धन्यवाद जी, थैंक यू, नमस्कार।